एक बार फिर से बेधड़क अहंकार में बयानबाजी कर रहे हैं नवाब मलिक। एक तरफ नवाब मलिक के नामांकन रद्द होने की मांग हो उठी, दूसरी ही तरफ अजीत पवार नामांकन रद्द करवाते इससे पहले नवाब मलिक ने नई जंग छेड़ दी है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से नवाब मलिक चुनावी मैदान पर उतर गए हैं, जिसे लेकर महायुति में पहले से ही अजीत पवार को लेकर नाराजगी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नवाब मलिक के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यहीं पर आप सबको बता दें, जहां एक तरफ मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को राजी नवाब नामांकन रद्द कराने के खिलाफ है, नामांकन वापस करने के खिलाफ है, तो वहीं उनके मंत्री बनने को लेकर स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा उन्हें मंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका ये आखिरी चुनाव होगा, ये भी उन्होंने कह दिया है। यानी कि नामांकन वापस नहीं लेंगे नवाब मलिक, ये तो उन्होंने साफ कह दिया है। और उन्होंने कहा जमानत मिलने के बाद वो अपने कार्यालय गए और उन्होंने काम शुरू किया। अपनी बेटी सना से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा मुझे एहसास हुआ सना निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम कर, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसे अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ना चाहिए, मगर मानखुर्द के लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने की अपील की, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीत भी हासिल होगा, ये कहना है नवाब मलिक का। जीत के वो दावे अभी से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़।